नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल दी टेक्नोपाइप में। दोस्तों, हमारी हर वीडियो पे आप सबका बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार मिलता है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस गैजेट के बारे में बात करने वाले, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले, उसका नाम है 3D लैंडस्केप वॉल पेंटिंग। ये कैसे टाइप की 3D पेंटिंग है, इसके अंदर किस टाइप का मैकेनिज्म लगा है जो इसे 3D इफेक्ट देता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गैजेट कैसा दिखता है और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका बॉक्स काफ़ी बड़ा है और इसकी आई होप कि इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई है। तो ये है मूविंग लैंडस्केप, तो काफ़ी यूनिक गैजेट है ये। तो जैसे कि देख सकते हैं कि इसके अंदर दो टाइप के आते हैं, तो मैंने ये सर्कुलर टाइप का मंगाया है और इसके अंदर ये स्क्वायर टाइप का भी आता है, तो काफ़ी अच्छा है ये गैजेट। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थर्माकोल के अंदर ही आया है प्रोडक्ट, क्योंकि एक्चुअली ये ग्लास टाइप का प्रोडक्ट है तो इसको काफ़ी केयरफुली इसकी पैकिंग की गई है ताकि ब्रेक नहीं हो जाए। तो जब भी आप अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ऐसा ही मिलेगा और काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ मिलेगा ताकि ब्रेक नहीं हो, तो आपको बार बार इसको रिटर्न करने की नौबत नहीं है। तो मिल जाता है साथ में बिल्कुल स्टैंड, इसके ऊपर ये लगेगा। और अब हम करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि ये काफ़ी यूनिक लग रहा है अभी, तो काफ़ी अच्छा है और अच्छे मटेरियल का बना हुआ है ये और ग्लास है, एक्चुअल में ये ग्लास है। और जो इसकी ये साइड में आपको ये स्ट्रिप दिख रही है, ये सिलिकॉन की बनी हुई है, ठीक है। और ये जो है इसका स्टैंड, ये प्लास्टिक का है। तो काफ़ी यूनिक लग रहा है ये गैजेट। तो और हमें क्या मिल जाता है इसके साथ, एक हमें ये मिल जाता है इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन का क्या काम है इसमें, तो ये सब कुछ मैं आपको एक क्लोजर वीडियो में बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ कि इस इंजेक्शन का भी क्या यूज़ लेंगे हम, आपको ले चलता हूँ एक क्लोजर वीडियो में और सब कुछ आपको जानकारी देता हूँ इसके बारे में, आप कैसे दिखता है, कैसा यूनिक प्रोडक्ट है और कैसे ये माइंड रिलैक्सिंग प्रोडक्ट है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ एक क्लोजर वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी सैंड है उसको एक साइड में ले आया हूँ, ठीक है। तो और क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर कितनी एयर बाकी हो गई है, ऊपर पूरा खाली हो चुका है, ऊपर एकदम एयर बाकी है और ऊपर एक पानी है। तो इसके अंदर जो मटेरियल डाले हुए, एक तो मूविंग सैंड है और एक पानी है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है कि जो ये इंजेक्शन दिया है, इंजेक्शन से हमें इस एयर को कम से कम रखना है, अगर ज़्यादा एयर रखेंगे तो ये इजीली अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये इस इंजेक्शन को दिया है ताकि हम इसमें से थोड़ी एयर निकाल सकते हैं। अब हम एयर कहाँ से निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक डॉट, ये वाला, तो इस ब्लैक डॉट में से हमें क्या करना है, इस इंजेक्शन की पिन को डालना है अंदर और इसमें से थोड़ी सी एयर, ज़्यादा एयर नहीं निकालनी है, थोड़ी निकालनी है ताकि ये इजीली अच्छे से काम कर सके। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ी सी एयर निकाल देंगे। तो मैंने इसको इसमें डाला और थोड़ी सी एयर मैं खींचूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कि ये मैंने एयर खींच दी। अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर गैप है, पहले कितना था और अब कितना हो गया एयर खींचने के बाद में। इस इंजेक्शन को इसलिए दिया है ताकि हम इससे एयर निकाल सके, ताकि इजीली अच्छे से काम कर सके। अब जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो हमेशा एक न्यू पैटर्न बनेगा, जो कि काफ़ी एक तरह से अगर आप इसको कंटिन्यू देखते तो आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील कराता है। और आपका जो अगर मूड भी ख़राब हो कभी तो आप इसको देख सकते हैं, तो आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए स्ट्रेस से। तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग वाला है गैजेट, तो काफ़ी अच्छा। मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा सिंपली यूँ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे नीचे आ रही है सैंड, अब ये नीचे आएगी, जैसे जैसे नीचे आएगी और एक नया टेक्सचर बनाती रहेगी, एक नया पैटर्न बनाती रहेगी साथ में, तो काफ़ी अच्छा है ये। ये बबल्स तभी आप कम कर सकते हैं जब एक बार आप है ना पूरी सैंड को एक साइड कर ले, उसके बाद में आपको ये बबल्स को कम करना है, पहले ये बबल्स कम नहीं होंगे। तो पहले हमें एक बबल की लेयर आ गई है बहुत बड़ी, तो ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही, बबल इस सैंड को रोक देती है नीचे आने से। तो जहाँ पे गैप मिलता है, जहाँ पे बबल नहीं होता, ये उस जगह से नीचे आ रही है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बबल्स को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ी एयर को कम करना पड़ेगा। अगर इसमें से एयर कम होगी तभी इफेक्टिवली काम कर पाएगा। देख रहे हैं कि आप कि धीरे धीरे अब ये जिस जगह पे बबल नहीं है, जिस जगह पे एयर नहीं है, वहाँ से ये नीचे आ रहा है।
तो काफ़ी एक अच्छा यूनिक सा पैटर्न बना रहा है। प्राइसिंग की ये गैजेट मुझे पड़ा है 1500 में। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप दिवाली, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे, तो आप इसको कम प्राइस में भी बाय कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। आप इसको एज अ गिफ्ट पर्पस के लिए भी बाय कर सकते हैं अगर आपको किसी को, और अगर आप चाहते हो कि आप कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आपको ये जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को डाइवर्ट कर सकता है, आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकता है स्ट्रेस से। तो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि देख सकते हैं कि अब ये सेंट पूरी नीचे आ चुकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। होप है दोस्तों आपको एक कोटा गैजेट देख के बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको एक कोटा गैजेट बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उधर जाके इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल की बाकी वीडियो को अभी तक से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उधर जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और हमें ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ हमारे चैनल दी टेक्नोफाइल्स में। थैंक यू।